घरों में चोरी, दुकानों में चोरी की घटनाएं तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन खेत से आम चोरी होने की घटना हैरान कर देने वाली है। जी हाँ, ऐसी एक घटना तहसील काट के गांव आबिदपुर चट्टा में घटित हुई। ये घटना तब सामने आई जब सायरा पत्नी इंतजामुद्दीन और फरजाना पत्नी मोहम्मद आरिफ ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के यहाँ एक शिकायती पत्र दाखिल किया और बाघ से 6 क्विंटल आम चोरी होने की सूचना दी। दरअसल तहसील काट के ग्राम आबिदपुर चट्टा में सायरा पत्नी इंतजामुद्दीन और फरजाना पत्नी मोहम्मद आरिफ निवासी मोहल्ला पचाईयान का आम का बाग है, जिसमें आम की खेती हो रही थी। कुछ दिन पूर्व गांव के ही रिजवान इमरान आरिफ पुत्र नाजिर वन ने लोगों को आम चुराते देखा तो बाग के स्वामियों ने इसका विरोध किया तो आम की चोरी कर रहे लोगों ने उनके साथ बदतमीजी की व मारपीट की और वहां से फरार हो गए। तुरंत बाग स्वामियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, लेकिन पुलिस द्वारा उचित कार्यवाही न किए जाने पर बाग स्वामियों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के यहाँ एक शिकायती पत्र देकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायती पत्र देने आई सायरा पत्नी इंतजामुद्दीन ने बताया, हमारा आम तोड़ लिया उन्होंने और हमें गाली गुफ्तारी और हमारी बेइज्जती करे। कौन लोग हैं? इमरान आरिफ, इमरान रिजवान। मतलब क्या कोई दुश्मनी है? क्या है आपकी, क्या आपकी रंजिश थी क्या उन लोगों से? हमारी जमीन है, वो उनके पास, वो हमसे दमनगिरी के साथ जबरदस्ती करके हमसे मारपीट करे, बेइज्जती करके हमारे आम तोड़ लिए। क्या आपने इसकी शिकायत दी है पहले? शिकायत हमने पहले पहले भी दी थी। हाँ, कोई सुनाई ना होती, वो दूसरी पार्टी दमंगा उनसे पैसे ले लेकर खाते, हमारी कोई सुनाई ना करता। और गांव के लोग कितने आम थे? गांव के लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमारा माल हमें मिले।